वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1। आज हमारा लास्ट टॉपिक है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ का मतलब है मतलब प्रॉपर वो काम नहीं कर रहे किडनीज़ जो हैं, वो अपना काम जो है वो ठीक से सरंजाम नहीं दे रहे। तो इसकी वजह क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, के किडनी में स्टोन की जो फॉर्मेशन है, इस वजह से किडनीज़ जो हैं वो अपना काम जो है वो प्रॉपर नहीं कर सकते। और जो उनका काम होता है कि ब्लड में से साल्ट्स को रिमूव करना, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना, तो स्टोन फॉर्मेशन की वजह से वो ये साल्ट्स जो हैं वो रिमूव नहीं कर सकते। इन सच अ सिचुएशन द साल्ट्स अकमोलेट्स इन द किडनी एंड फॉर्म स्टोन्स। सो साल्ट्स जो हैं वो किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं और अकमोलेट्स हो जाते हैं और वो स्टोन बना देते हैं। तो जब स्टोन बन जाते हैं तो वो फिर जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है किडनी की, वो डिस्टर्ब करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। किडनी स्टोन्स जो हैं वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसकी जो किडनी स्टोन जो है वो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास किडनी है, ये इसके अंदर भी हो सकती हैं जो ये पेल्विस हैं, और या फिर ये यूरेटर में भी जा सकती है, इससे आगे फिर जो यूरिनरी ब्लैडर था उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। तो किडनी की ट्रीटमेंट जो है वो हम स्टोन का जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके साइज़ पे। अगर साइज़ स्मॉल है तो हम मैक्सिमम वाटर इनटेक करके किडनी को रिमूव कर सकते हैं। अगर मीडियम है तो हम लिथोट्रप्सी के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टोन का कर सकते हैं। लिथोट्रप्सी जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम शॉक वेव्स जो हैं वो उस पार्ट पे, किडनी के इंटरनल पार्ट पे वो गुजारते हैं। शॉक वेव्स यानी वो जो शुआएँ जिनको हम कहते हैं वो गुजारते हैं, तो इस तरह वो किडनी को जो है वो स्मॉलर पीसीज में लाइक सैंड लाइक जो है वो उसमें चेंज कर देती हैं। तो इस तरह वो रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी से। अगर लार्ज साइज़ है तो देन हम फिर जाते हैं सर्जरी की तरफ, लेकिन नॉर्मली हम उसको मैक्सिमम वाटर इनटेक से या लिथोट्रप्सी से ही वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसका साइज़ लार्ज है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। इसकी एक तो किडनी का जो बनना है ना, कि हम प्रॉपर जो है, अगर हम पानी ना पिए, ज़्यादा पानी ना लें जितनी हमें ज़रूरत है, तो हम कम पानी पिए तो भी हमारे किडनी में स्टोन बन सकती है। लेकिन इसकी दो मेन रीज़न भी हैं। एक तो है वो कैल्शियम आइंस का बढ़ जाना और दूसरा ऑक्सलेट्स का अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाना। कैल्शियम आइंस जो हैं वो क्यों बढ़ते हैं? अगर हम बहुत ज़्यादा दालें खाएं या कच्चे चावल खाएं तो इससे फिर कैल्शियम आइंस जो हैं वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। ऑक्सलेट्स जो हैं वो हमारी सब्ज़ जो ग्रीन जो सब्ज़ियाँ होती हैं लाइक पालक है, ऐसे अगर हम इनकी ज़्यादा मिकदार में लें, यानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कि अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर भी जो है वो स्टोन जो हैं वो हमारे किडनी में फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर जो है ये किडनी का या तो पार्शियल फेल्योर है या फिर कंप्लीट ही फेल्योर है, कि अपना जो काम जो है वो किडनीज जो है वो या तो थोड़ा बहुत करना छोड़ते हैं या मुकम्मल तौर पर करना छोड़ देते हैं। तो इसकी मेन इसकी जो वजह क्या है, उसकी तीन कॉजेज हैं। एक है इन्फेक्शन, दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जो जिसको हम शुगर कहते हैं, और हाइपरटेंशन। इन्फेक्शन जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है किडनी में स्टोन की वजह से भी हो सकता है इन्फेक्शन। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, कि ये एक डिज़ीज़ है जिसमें शुगर लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और हाइपरटेंशन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर स्टेट जो है बॉडी में, कि बीपी जो है वो हाई हो जाए और हम उसको डिक्रीज़ करने की, उसको लो करने की मेडिसिन ना लें तो भी हमारा जो किडनी है वो फेल हो सकता है। तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल फेल्योर, ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल फेल्योर हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो डायलिसिस के ज़रिए और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि डायलिसिस के ज़रिए हम कैसे जो है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डायलिसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो है कि आर्टिफिशियल क्लींजिंग ऑफ ब्लड, के ब्लड को क्लीन करना है हमने आर्टिफिशियली। और डायलिसिस जिस मशीन के ज़रिए होती है वो है डायलाइज़र। इसमें हम पेशेंट का ब्लड जो है वो डायलाइजर से गुजारते हैं, जो कि डायलिसिस फ्लूड पर कंसिस्ट होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये पेशेंट बॉडी है,
ये है डायलाइजर, डायलाइजर और इसके साथ ये है डायलाइजर फ्लूड। ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी से जा रहा है, इसमें इसी वे इसमें इस ट्यूब में डायलाइजर डायलिसिस फ्लूड भी जा रहा है और ब्लड भी जा रहा है। और ये जो डायलिसिस फ्लूड जो है वो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो क्लीन जो ब्लड है उसको द बैक जो है वो पेशेंट की बॉडी में लेके जा रहा है। ये है डायलिसिस के, इसमें ब्लड जो है वो डायलाइजर की ट्यूब में से गुजरता है और इस तरह वो फिर ब्लड जो है वो क्लीन होके वापस पेशेंट की बॉडी में जाता था। ये था डायलिसिस। और नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये मेथड एंड स्टेज किडनी, जब बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। इस मेथड में जो डोनर होता है यानी जो किडनी दे रहा होता है उसकी किडनी जो है हम पेशेंट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा मतलब हर चीज़ मैच होनी चाहिए उसमें, नेफ्रॉन्स, उसमें जितना भी सेल्स जो हैं उसके टिश्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग सेम होनी चाहिए, देन हम जाके ये ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो इसमें जो डोनर है किडनी का, वो उसका ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है या फिर क्लोज रिलेटिव हो सकता है, वो दे सकता है, लेकिन ये इतना कोई सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं है, तो लिहाजा फिर हम जो है वो डायलिसिस को ही प्रेफर करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।